Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to discuss how to revise for Maharashtra CET 5 years law entrance exam in 10 days. तो यहाँ पर यार टेन डेज रह गए हैं और टेन डेज के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको ऑलरेडी दे दी है अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी टेस्ट जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए दैट इज रिविजन जो आपने टॉपिक्स पढ़े उनको रिवाइज कर, कर जाना बहुत बहुत जरूरी है और यहाँ पर मैं रिविजन शेड्यूल आपको देने वाली हूँ बट उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट टेन डेज के अंदर आपको करना क्या क्या है ठीक है देखो एक तो आपको जो इंपॉर्टेंट मिनिमम देखो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं तो आप उनको रिवाइज करोगे आपने ऑल टॉपिक्स किए हैं तो ऑल टॉपिक्स भी आप रिवाइज कर कर जाओगे तो रिविजन जो है वो की है रिवाइज कैसे करना है यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम सेम सोर्स आपको सेम सोर्स से रिवाइज करना है यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम सेम सोर्स कोई भी नया सोर्स नहीं डालना आपको थ्योरी पढ़नी है अगर अंडरलाइन मार्क वगैरह किया तो बहुत बढ़िया नहीं तो फटाफट से पढ़कर जहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करो उसके बाद एमसीक्यूज भी अटैम्पट करने हैं चाहे आप सेम एमसीक्यूज ही अटैम्प्ट कर रहे हो दैट्स ऑल्सो फाइन तो ये आपको करना है रिविजन में देन आपको लर्न करना है हाउ टू अटेंप्ट अपने आप सीखना है कि अटेंप्ट कैसे करना है जो मैंने सिखाया हुआ है टू राउंड्स में मैंने इसके ऊपर भी वीडियो करी है कि टू राउंड्स में अटेंप्ट करना है देर इज नो नेगेटिव मार्किंग हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होंगे इस एग्जाम के अंदर थर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फियर और एंग्जाइटी को हैंडल करना सीखें और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे सो so, इंश्योर करें कि इन लास्ट टेन डेज में आप भर भर के मॉक टेस्ट अटेंप्ट करें राइट right लिंक अगर अभी तक नहीं अटैंप्ट करें प्लीज डू अटेंट करें हमारे जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट उसके बाद चलते हैं पेपर कब है आपका बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है अभी भी एटीनथ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को आपका एमएससी टी फाइव ईयर्स लॉ इंट्रेंस एग्जाम है ठीक है अब यहां पर आपका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए हाउ शुड बी योर टाइम टेबल मैंने रिविजन के लिए पहले भी बताया आपको कि रिविजन करना है ठीक है जो आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए ठीक है ना जब आप सुबह उठो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आज मैं क्या करूं आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे आज ये 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 करना है नेक्स्ट डे की आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी दिन की टेंशन लेनी है कि कैसे ये मुझे करना है राइट right? जिस दिन मॉक टेस्ट ले रहे हो उस दिन आपको एनालिसिस भी करना है ठीक है और प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना एनालाइज कैसे करना है प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी वहां पर मिल जाएगी वो वीडियो ठीक है वर्किंग ऑन टॉपिक्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग मार्क्स आपको मॉक टेस्ट में ये पता चलेंगे यार कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक है उन पर काम करने से मत कतराओ ठीक है एंड ऑल्सो जिनकी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए ट्राई करो कि आप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में से भी कुछ टॉपिक्स जो है वो कर सको तो आपका टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा रिविजन करना है जिस दिन दिन मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट करो उस करना है और इंश्योर करना है कि जो प्लान ऑफ एक्शन मतलब जो टॉपिक्स मॉक टेस्ट में वीक हैं वो भी आप एक उनको भी टाइम दे रहे हो तो ऐसा सा आपका शेड्यूल रहेगा और जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन रिवीजन और ये कर रहे हो राइट उसके बाद अगर प्लान डिस्कस करें अगर आपको डे टू डे प्लान जो चाहिए था जो बच्चे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि हमें प्लान दे दो तो यही रहा आपका प्लान ठीक है एट्थ और नाइन्थ में को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी करो उसको डिवाइड करो थ्योरी करो पॉइंटर्स अगर बनाए हुए हैं अगर अंडरलाइन मार्क किया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है वो ही आप याद कर कर मतलब रिवाइज करो ठीक है ट्राई करो कि जो भी आप पॉइंटर देख रहे हो मान लो आप प्रियम्बल देख रहे हो तो प्रियम्बल से जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं क्या टर्म्स यूज़ करी हैं ठीक है ना क्या है प्रियम्बल तो उसको बोल सको एंड देन यू रीड उससे क्या होगा कि आपको मेमरी जो है वो टेस्ट हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम सी क्यू यूनिवर्सल में से ही करने क्वेश्चन पढ़ो आंसर बोल दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं एंड प्लीज जो भी गलत आपने किया है उसको मार्क कर लेना सो दैट एंड डे पे आप वो रिवाइज कर सको तो ठीक है करंट अफेयर्स के अंदर भी अगर आपने हमारे डिजी नोट्स लिए हैं तो डिजी नोट्स की हेडिंग देखो और फिर ऑप्शन ऑप्शन um, नहीं जितने भी पॉइंटर्स है वो बोलने की कोशिश करो तो जो पॉइंटर भूल गए उसको आप पढ़ लो ठीक है कोडिंग डिकोडिंग है ट्रिप टिप्स जो है वो रिवाइज करो एंड क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन सेम बुक में से सॉल्व कर लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यूज रिवाइज करो इस टाइम पे मॉक टेस्ट भी देना है और उसको एनालाइज भी करना है और देखना है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या बनेगा मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जो गलत हो रहे हैं उन पर काम करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लो एक्टिव पैसिव ग्रामर के जितने टॉपिक्स हैं प्रेपोजिशन टेंसेज जितने भी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पॉटिंग एरर्स इनके रूल्स रिवाइज करके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये तो एम सी क्यूज है ठीक है ना तो ये आपको करना है दैट इज हाउ यू हैव टू डू योर रिविजन रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपको लगेगा कि हाँ मैंने किया है ठीक है ना अगर हम देखें अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो लीगल इज फोर्टी मार्क्स ठीक है इंग्लिश इज इंग्लिश इज थर्टी मार्क्स लॉजिकल इज फोर्टी जनरल नॉलेज इज थर्टी ठीक है तो मैथ्स अगर होता है इस टाइम पे करो नहीं तो नहीं ठीक है सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू फॉर योर रिविजन ठीक है समझ में आ गया रिविजन के लिए कि कैसे रिवाइज करना है एंड बाय द एंड ऑफ इट मैं क्या चाहती हूँ आपका कि लास्ट टेन डेज में आपका रिविजन होना चाहिए आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए फियर और एंग्जाइटी के लिए एफर्मेशन सुननी है जो लॉगरी डॉट इन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लिंक नहीं मिल रहा तो कॉमेंट करके पूछो कॉमेंट करके पूछो मेरा ये टॉपिक वीक है मैं कैसे इसको इंप्रूव करूँ आई नीड सच कॉमेंट्स इससे मुझे पता चलेगा कि येस यू आर एनालाइजिंग द पेपर ऐसे ही इंक्रीज होगा आपका ठीक है ना एंड अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कॉमेंट करके बोल दो मैं कर दूंगी वो वीडियो दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एल सी सुपर सून प्लीज जिसका सिलेबस खत्म हो गया है वो ये सब काम करेगा रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके बाय ओ हां ये दे देती हूं मैं तुम्हें इसका स्क्रीन शॉट वगैरह जो भी लेना तुम ले लेना ये लो मैं क्लियर भी कर देती हूँ उसको ये लो साफ बिल्कुल ठीक है ओके बाय okay,